हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सी जी पी एस सी नॉलेज में। दोस्तों, ये वीडियो जो है इसमें मैं सिर्फ आपको जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है आज उसका पेपर टू मैंने डाला है उसको उसके बारे में और अभी जो आज लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने पहले ही पिछले हफ्ते ही बताया था कि हम हर हफ्ते जो है वीकली टेस्ट करेंगे। तो पिछले हफ्ते के वीकली टेस्ट में जो है हमने सॉल्व किया था सीजीपीएससी पेपर वन के पूरा पैटर्न, जैसे 100 क्वेश्चन का आता है उसमें। फिर मैंने जो है पोलिंग कराई थी कम्युनिटी टैब में कि अगला टेस्ट किसका लिया जाए, तो उसमें इंडियन हिस्ट्री के लिए ज्यादा बताया गया था, वोट दिया गया था। तो इंडियन हिस्ट्री का जो है आज मैं टेस्ट पेपर टू डाल रहा हूँ, जो कि मतलब सीजीपीएससी नॉलेज टेस्ट सीरीज का पेपर दो है। तो इंडियन हिस्ट्री में जो 100 क्वेश्चन जो है हमारे मॉडर्न, एंशियंट और मिडाइवल तीनों के जो है मिला के 100 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आपको मैं पेपर बार बार इसलिए सीरियसली देने बोल रहा हूँ, बार बार फोर्स इसलिए कर रहा हूँ आपको पेपर या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अगर आप आज भी लेबर इंस्पेक्टर का अगर पेपर देखे हो तो उसमें जो संविधान के जो है 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो भी आए थे, अगर आप जब मैं एडीओ के समय टेस्ट सीरीज करा रहा था वीकली टेस्ट, नॉट होंग हमने किया था वीकली टेस्ट, वो पांचों के पांचों क्वेश्चन हमने वो वीकली टेस्ट में पहले ही सॉल्व किया हुआ था। यहां तक ऑप्शन भी अलग नहीं था, ऑप्शन भी सेम दिया था, जो एबीसीडी हमने रखे सेम ऑप्शन भी वही था। ठीक है, तो यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हम पहले ही अपने वीडियो में और उस टेस्ट पेपर में सॉल्व कर चुके थे, जो आज लेबर इंस्पेक्टर में वापिस पूछा गया है। इसके अलावा जो हमने मुख्य सचिव वाला पार्ट वीडियो में कवर किया, मुख्य सचिव वाला भी सेम क्वेश्चन पेपर में आया था, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन भी सेम था वो। इसके अलावा पंचायती जैसे मैंने पहले ही कवर कराया हुआ है, तो पंचायती का पूरा पार्ट जो है हमने वो भी टेस्ट सीरीज में पहले ही कवर कर लिया था, तो वो क्वेश्चन भी टेस्ट में सेम के सेम आए थे अभी लेबर इंस्पेक्टर में। इसके अलावा यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ के जो भी क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री के, वो भी वीडियो में पहले से कवर है, कुछ क्वेश्चन तो वो भी टेस्ट सीरीज में कवर हो चुका था। तो कुल मिला के बात यही है, अगर आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप ये टेस्ट सीरीज सीरियसली देंगे तो आपको आने वाला जो भी पेपर होगा आप उसके लिए पहले तैयारी करेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो आप पिछले जो वीकली टेस्ट वाले जो मैंने 9 वीडियो डाले थे उसमें आपको पेपर वहां पे आपको नीचे ही कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके वो 9 पेपर को सॉल्व करके देखिएगा, आपको सेम सेम क्वेश्चन दिख जाएगा। यहां तक जो अभी आज के पेपर में जो इतिहास के क्वेश्चन आए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन हमारे इस टेस्ट जो पेपर अभी जो मैं अभी डाल रहा हूं उसमें भी आपको सेम दिख जाएंगे। यानी हमारा जो अप्रोच है उसको टेस्ट सीरीज का वो सही हो रहा है जिस अकॉर्डिंग पेपर आता है। ठीक है, यहां तक जो हमने करंट के वीडियो जब चालू किए थे तो करंट में भी मैंने छत्तीसगढ़ के पार्ट में आपको बताया था, जैसे कि हमने राज्यपाल वाला पार्ट पढ़ा था तो उसमें भी मैंने बोला था कि राज्यपाल से संबंधित, हो सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे लेकिन राज्यपाल की पावर से संबंधित क्वेश्चन आपके सीजी वाले पार्ट में, स्टेट वाले पार्ट में सेम क्वेश्चन राज्यपाल का पूछा गया है। इसके अलावा जब मैं राष्ट्रपति वाला पार्ट बता रहा था तो उसमें भी बोला था कि राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्ट वे से राष्ट्रपति के लिए पूछेगा संविधान वाले पार्ट में, वो भी पूछा गया है। इसके अलावा जब मैं विधानसभा का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है मैं ये बताया था, तो उसमें आपको बताया था कि आपके जो पेपर में हो सकता है कि विधानसभा से क्वेश्चन, मतलब उससे अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर ना पूछे लेकिन विधानसभा या विधान परिषद के जो कार्य होते हैं उससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन भी पेपर में आया था। ठीक है, तो जो हमारे करंट पढ़ने का जो अप्रोच है वो यही होता है, हमको लगता है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दिया जाता है, नहीं वैसा नहीं होता है। आपके जो करंट टॉपिक चलते रहते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि पद्मश्री हमने अभी हाल ही में पढ़ा था कि श्यामल चतुर्वेदी जी को पद्मश्री मिला है, तो उस समय भी मैं पढ़ाते समय आपको बताया था कि पीएससी जो है डायरेक्ट श्यामल चतुर्वेदी जी से क्वेश्चन ना पूछे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके पद्मश्री से या उससे संबंधित पूछा था। वैसे ही व्यापम ने भी क्या किया, पद्मश्री या डायरेक्ट ना पूछ के, क्योंकि पद्मश्री अभी हाईलाइटेड पॉइंट था, उन्होंने पद्मश्री ना पूछ के पद्मभूषण पूछ दिया। ठीक है, बाकी बात जो है वो करंट के ऊपर ही चल रही है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपके करंट पढ़ने का अप्रोच बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जो आपने करंट के वीडियो देखे होंगे उसमें जो आपने पढ़ाया था मैं सीजी का, क्योंकि इसमें करंट नहीं पूछा गया ज्यादा, लेबर इंस्पेक्टर में आपसे पूछा गया करंट से संबंधित क्वेश्चन सीजी वाले पार्ट में पूछे गए, वो
पहले से जैसे मैंने बताया था कि उसी तरीके से आपसे पढ़ना होगा, आपको वो टॉपिक उसी टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और इंडियन का करेंट वाला जो इंडिया का करेंट है उसमें मैंने ज्यादा वीडियो नहीं डाला था, केवल एक वीडियो डाला था इंडिया करेंट का, उसमें भी एक क्वेश्चन पेपर में आपके आया हुआ है रेबन मैक्सेसे अवार्ड वाला, ठीक है। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी आपको वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो इंडिया का हो या छत्तीसगढ़ का, आप केवल उसके जो पहला पेज रहता है हर चैप्टर का वो पढ़िए, उससे ही क्वेश्चन आएगा। और लेबर इंस्पेक्टर में सभी क्वेश्चन जो है लगभग पहले पेज के ही क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो इंडिया की लेवल की बात करें या छत्तीसगढ़। आप खुद देखिएगा विद्युत वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया कि औद्योगिकी के लिए विद्युत को 2016-17 में कितना परसेंट दिया है, वो भी हमारे वीडियो में कवर था। जब मैंने विद्युत वाला जो इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट विद्युत वाला कराया था तो उसमें मैंने उस सुगो भी बताया हुआ था। तो लगभग लगभग हमारे जितना पार्ट वीडियो में कवर है और टेस्ट सीरीज में कवर है उतने ही पार्ट से आपके पेपर में जो जो उस टॉपिक से क्वेश्चन आते वही वही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अभी भी मैं ये चीज आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज जो है काफी सीरियस होके दीजिए। आपको इसका रिजल्ट आपको भले ही अभी जो है ऐसा लगता होगा कि अभी टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं है या टेस्ट की तैयारी जब पेपर आएगा तब करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप स्टेट सर्विस या व्यापम के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू बना के रखेगा। और आपको इसका रिजल्ट जब आपके रिजल्ट पेपर आएगा, जब आपका कोई भी अगर आप स्टेट सर्विस का प्री का पेपर देंगे तो उसके बाद आपको जरूर महसूस होगा कि हमने जो है अधिकतर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पहले ही कवर किया हुआ था जो सेम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो बस यही कहना था मेरे को, यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। तो आप जो है इस टेस्ट पेपर का जो भी लिंक है आपको जहां से पे करके इसको लेना है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूं, आप वहां से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और लगभग 8 से 8:30 के बीच जो है मैं इसका आंसर की भी डाल दूंगा, तो आप अपना आंसर भी मिला लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो है आप धीरे आपका नंबर कम आए यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके जो एक्चुअल जब आपका रियल एग्जाम होगा वहां में आपका नंबर जो है काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा तब तक के लिए। और बस आप ऐसी सीरियसली होके जो है सीरियस होके इस पेपर को दीजिएगा, बस आपसे यही कहना था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।